गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का पीरियड है और आज हम फिर से 4 कर्सिव लेटर सीखेंगे, कैपिटल एंड स्मॉल, क्यू आर एस एंड टी। ओके, क्यू बनाने के लिए अपनी पेंसिल को रेड लाइन पर ट्रेस कीजिए, फर्स्ट लाइन जो रेड लाइन है उस पर, और एक सर्कल बनाइए इस तरह से, और यहाँ से आपको इस तरह से कर्व लाइन बनानी है। ये कैपिटल क्यू, ये बनाने में बहुत इजी है। फॉर स्मॉल क्यू, ट्रेस योर पेंसिल ऑन ब्लू लाइन, ट्रेस योर पेंसिल ऑन ब्लू लाइन, गो अपवर्ड अप टू ब्लू लाइन। इस तरह से आपको एक स्लांटिंग लाइन टाइप बनाना है, कर्व टाइप। यहाँ से आपको फिर से इसी लाइन पर बैक पेंसिल घुमाना है और इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, इस तरह से, ये स्मॉल क्यू। फिर लेटर आर, क्यू के बाद क्या आता है, आर। आर के लिए अपनी पेंसिल को रेड लाइन पर ट्रेस कीजिए। यहाँ से आपको नीचे वाली नंबर 3 ब्लू लाइन तक पेंसिल को लेके आना है और यहाँ से टर्न करते हुए अगेन आपको इस लाइन, ये रेड लाइन तक पेंसिल को ले जाना है। यहाँ आप एक हाफ सर्कल बनाएंगे और यहाँ अपनी पेंसिल को यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से ब्लू लाइन तक लेके आएंगे। ये कैपिटल आर, क्यू आर, ये कैपिटल आर। स्मॉल आर के लिए पेंसिल को ब्लू लाइन पर ट्रेस कीजिए, इस तरह से कर्व, स्लाइटली कर्व लाइन बनाते हुए यहाँ ब्लू लाइन तक पेंसिल लेके आइए और यहाँ से एक छोटा सा सर्कल, इस तरफ से आपको पेंसिल को टर्न करना है और ब्लू लाइन तक यहाँ लेके आइए। यहाँ से एक स्लाइटली कर्व आपको बनाना है, यह आपका स्मॉल आर। लुक हियर अगेन, फॉर कैपिटल क्यू, मेक अ सर्कल बिटवीन 3 लाइन्स रेड टू ब्लू। इन 3 लाइन्स के बीच में सर्कल बनेगा, यहाँ एक कर्व लाइन। कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू के लिए इस तरह से, जिसे हमने ए और सी बनाया था, इस तरह से हमारा क्यू बनेगा। क्यू आर के लिए पेंसिल को रेड लाइन पर ट्रेस कीजिए, इस तरह से आपको कैपिटल आर बनाना है। स्मॉल आर के लिए पेंसिल को यहाँ ट्रेस कीजिए, ऊपर वाली ब्लू लाइन तक पेंसिल ले जाइए, इस तरह से हमारा स्मॉल आर। पेज टर्न कीजिए और आपको पहले यहाँ कर्सिव लेटर्स की हेडिंग डालनी है, कैपिटल एंड स्मॉल, और जो जो हम लेटर लिख रहे हैं उनको इसी तरह आपको लाइन ड्रॉ करके बनाना है। कैपिटल एस बनाने के लिए ट्रेस योर पेंसिल हियर, इस तरह से आपको रेड लाइन तक पेंसिल ले जाना है और यहाँ से एक स्लाइटली टर्न लेते हुए इस तरह से आपको कैपिटल एस बनाना है। स्मॉल एस के लिए, स्मॉल एस भी सेम है लेकिन कैपिटल एस 3 लाइंस के बीच में बनता है और स्मॉल 2 लाइंस के बीच में, 2 ब्लू लाइंस के बीच में, इस तरह से ये आप इसी लाइन पर आपको पेंसिल टर्न घुमाते हुए इस तरह से लेके आना है। एस के बाद क्या आता है, टी। पेंसिल को यहाँ ट्रेस कीजिए, रेड लाइन से टच करते हुए एक आपको कर्व लाइन बनानी है और इस तरह से आप ये पेंसिल को इस तरह से टर्न करेंगे, कैपिटल टी। स्मॉल टी के लिए अपनी पेंसिल को यहाँ ट्रेस कीजिए, ब्लू लाइन पे रेड लाइन तक लेके जाइए और यहाँ से फिर से टर्न करते हुए, एल बनाना आता है ना, बस, तो टी बहुत इजी है बनाना, एक लाइन बन जाएगी। फिर से देखिए, इस तरह से पेंसिल को स्लाइटली कर ले जाते हुए इधर से टर्न करना है, इधर से घुमाना है पेंसिल को इस तरह से। स्मॉल एस भी कैपिटल एस की तरह ही बनता है, ये टी, ये स्मॉल टी।
ओके। अब आपको पूरे पेज पे अपना वर्क करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बनाते हो, प्रैक्टिस कीजिए आप, और अपना वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, नाउ आवर क्लास इज़ ओवर। हरे कृष्णा।